पोलो को यावे मेन हॉस्पिटल। ये लाइव चल नीचे रहा है, कुछ लाइव कर इंटीमेसी दिया। कोच और इंटरनेशनल स्पीकर हैं एंड आई वाज द ओनली स्पीकर। एंड ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सिर्फ कि ये आप, मैं सबसे पहले मैंने ये भी एनालाइज किया कि आप में से काफी, इनफैक्ट पीजी करना तो मैं पीजी नहीं करी, मेरे को जॉब करनी थी, लेकिन जॉब करने के विजी लिए सर अपनी को फोन वैल्यू करके डाउन नहीं बोलो, करनी या थी। बोलिए हो आई रिपीट, जॉब विजी ने करने अपने के लिए मोबाइल अपनी सेलेक्ट वैल्यू कर डाउन रखा नहीं है। करनी थी, उस माइंड से मैं आज निकलना जानता है इस हॉल से कि जॉब करने के लिए अपनी हूँ, वैल्यू डाउन नहीं मैं करी। लाइव ये भेज टेंशन मत दिया हूँ, लेना, वो तो प्लेसमेंट तो से ऐसे आज मैं ऑर्डर अनाउंस भेज हो नहीं गया और हम सकता खड़े हूँ। हैं आप सबकी जॉब्स के लिए, आप उसकी टेंशन मत लेना, वो आज ही, वही तो करने आया हूँ मैं। और हम कर रहे हैं, हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, काफी सारे बोलिए स्टूडेंट्स को भाई, कनेक्ट किया है जॉब अपॉर्चुनिटीज के, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज सिस्टम से कनेक्ट हो जाएं तो आपको भी, और अब तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कनेक्टेड हैं, तो हम ऑन कैंपस, ऑन ऑफ कैंपस और रेगुलर आपके पास भी ओपनिंग्स आती रहेंगी। जो आपके प्लेसमेंट सेल के हेड होंगे या वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ आप लोग कनेक्ट हो जाइए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या कोई ईमेलर बना लीजिए, कुछ भी ऐसा एक इंटरनल मैकेनिज्म बना लीजिए कि कोई भी ओपनिंग आए तो आप सबको इमिडिएटली अपडेट हो जाए, आप सबको पता चल जाए। उसमें से आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आज सैलरीज भी डिसाइड कर दी जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेगमेंट और क्या क्या सेगमेंट है वो भी बता के जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम विद दस इज वी डोंट वांट टू मैं कहीं इंप्रूव, डाल द नहीं सकता, माइंडसेट इज नॉट मैं कहीं देयर। डाल नहीं सकता। व्हेन आई स्टार्टेड माय सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च मैं ड्यूरिंग माय दो दिन इंटर्नशिप, लगे, इन द फर्स्ट मैं क्लास केजीओ वीजी व्हेन सब आई कुछ एंटर्ड एंड व्हेन भेज आई देता इंटरेक्टेड हूँ, विद द वो आपको भेज स्टूडेंट्स दिया, देयर, वो आप डाल ये मैं दीजिए, इंग्लिश मैं इतनी सब अच्छी जगह नहीं डाल बोल नहीं पाता सकता ना, ना। ठीक, तो मैं मेरी भेज हालत दिया, ऐसी हो गई कि यार यहाँ पे मैं करूंगा क्या? मैं एक सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, लेकिन जब मैं पहली बार रैगिंग में पहुंचा और एक दिन मैं नहीं गया तो फूड पॉइजनिंग रीजन था मेरा ना जाने का। मैंने पूछा कल वाली फीमेल, अभी भी मेरे को, मेरी बच्चे को सीनियर मेरे सुना बगल में नहीं, प्रैक्टिस करती है, अभी सुनेगा मिलती है, नहीं। लास्ट मिली आंचल महेश्वरी तो हंस रही थी, कह रही ये सबसे पहले, अभी एलुमनाई में ही बात हो रही थी, वहां सब ये बातें होती है कॉलेज की जब एलुमनाई होती है। फिर मेरे से पूछा कैसे पहचान लेता था, मैंने कहा बहुत सिंपल है, आप लोग हॉस्टल में रहते थे, आपके सिंपल 2 या 3 पेयर्स होते थे सैंडल्स के, मैंने कलर से मैप कर लिया था और आपके शेप से, तो मैं उस हिसाब से कह रहे वाह यार वेल इंटेलिजेंट। तो लाइफ में स्ट्रगल ने कहीं नहीं की तो आगे जाके दिक्कत होगी बॉस। पहले ऑन करो, पहले ऑन एंड करके ये मैं देखो सही इसलिए चला जाए, समझाना चाह रहा हूँ सारी फीमेल चला जो कि यहाँ नहीं। पे डॉक्टर्स हैं, मेल भी, मैं तो मेल हूँ, एंड मेडिकल में कोई मेल फीमेल नहीं होता बाय द वे, बट फीमेल्स कैन एम्पैथाइज एंड सिंपैथाइज मोर अबाउट ऑल दीज इश्यूज, सब कुछ है। मैं अभी 2 दिन पहले स्टार्टअप की आज बात करेंगे, दो गायनेकोलॉजिस्ट दिल्ली की, वो अपना स्टार्टअप करना चाह रही कैसे है आधा मिल क्या, सकता मोबाइल हर्बल बताओ। प्रोडक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, गायनोवेदा, देख रहे हैं ना कि $100 मिलियन की फंडिंग मिल गई गायनोवेदा को, तो हम भी कर लेते हैं। हालांकि उस मॉडल के हम अगेंस्ट हैं, हम विरुद्ध हैं, हमने अपना झंडा शुरू कर दिया खड़ा करना, आप नहीं हो सबके रहा बॉस, सपोर्ट से ऐसा उसको और कुछ है, बुलंद मना कर करेंगे, देता है, और D2C आयुर्वेदा में मना कर देता है प्रिस्क्रिप्शन बॉस। मेडिसिन को बिकवाना भी बंद करेंगे इस कंट्री में। हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में बोला है, उन्होंने लास्ट टाइम बोला फार्मेसिकल विजिलेंस सेंटर है NIA का, ऑल इंडिया का, वहां पे कंप्लेंट करा दीजिए, कोई भी मिसलीडिंग ऐड है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लिख लीजिए पॉइंट, आज के बाद कोई भी सोशल मीडिया पे आप मिसलीडिंग ऐड देखें उसका लिंक उठाइए, NIA की साइट पे जाइए। देखिए हमें शुरू सबको मिलकर करना पड़ेगा, आज मैं कुछ बोल के चला जाऊं आप सुन लो, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली इम्पैक्ट भी आएगा, इम्पैक्ट तो हम सबको ही, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इंडियन वेदर से एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें पीजी स्कॉलर्स भी है, उसमें स्टूडेंट्स भी है, आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए बनाया है। ट्रू एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, कभी भी लाइफ में हम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, हम अपनी कोई सर्विस लॉन्च नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग, हम सिर्फ और सिर्फ आप सबको आगे बढ़ाएंगे। हमारे छोटे छोटे लोगोस आप सबके क्लिनिक्स पे लग रहे हैं, 100 के करीब लग चुके हैं, वो हमारे एग्रीगेटर क्लिनिक्स हैं और उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। आप में से जो भी लगवाना चाहते हैं, जिसका भी क्लिनिक है, हमारी वेबसाइट पे या आप मेरे से कार्ड ले लीजिएगा, एक ईमेल ड्रॉप करें और आप लगवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। ऑलरेडी ये हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि हमारा B2C लॉन्च होने वाला है जुलाई एंड या अगस्त में। B2C लॉन्च में हमारी 4 ऐप्स लॉन्च हो रही हैं, 2 पेशेंट्स के लिए और 2 डॉक्टर्स के लिए, जैसे प्रैक्टो आप लोगों को पता होगा, तो इट्स नॉट ओनली प्रैक्टो, उसके अंदर बहुत कुछ होगा फेजेस वाइज, वो प्रैक्टो भी होगा, वो अमेजोन भी होगा, वो अनअकैडमी या बायजूस भी होगा, वो बहुत कुछ होगा ग्रेजुअली, बट वो आप सबके लिए होगा, आपके द्वारा ही संचालित होगा, हमारा उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा। पहला मॉडल ऐसा होगा कि जिसको एक तरफ मैनेज भी आप लोग कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशंस, और दूसरी तरफ पेशेंट्स हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपल। तो एग्रीगेटर में किसी ने अभी तक काम नहीं किया, कोई प्रोडक्ट बेचता है आयुर्वेद में, कोई अपना ब्रांड बनाता है, कोई सर्विस बेचता है, राइट, बट किसी ने भी एग्रीगेटर पे काम नहीं किया। आप एक एग्जांपल दे दीजिए, कोई परसेंटेज मॉडल पे काम कर रहा है, आपकी टोपी साफे की इज्जत है लेकिन आपकी टोपी आप ही को घुमा के पहना रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है,
परचेसिंग पावर आपके हाथ में है। हमने एक ब्रांड टू डायरेक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया दो दिन पहले, और मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं सारे ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट डील करता हूँ। डाबर आपकी इतनी तारीफ करता है जोधपुर की, क्योंकि स्वर्ण फैशन इतना रिकॉर्ड आपने यहाँ पे बनाया, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों का नाम है कि स्वर्ण फैशन के नाम पे जोधपुर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, स्वर्ण फैशन का जोधपुर यूनिवर्सिटी। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैं यहाँ आ रहा था, आज मैं याद कर रहा था, मैं डॉक्टर दुर्गा के साथ को डाला जो हेड है उसके कि सर मैं जा रहा हूँ, कोई मैसेज हो तो बताइएगा, उनको बोलिएगा कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दे रहे आगे भी डाबर इज देयर विद देम। तो बहुत तारीफ करते हैं आपकी हर मीटिंग में, एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि अभी हमने उनकी स्वर्ण फैशन टैबलेट्स लॉन्च करी अपने प्लेटफॉर्म के साथ, हम उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। और जो ये आपका दिसंबर में इवेंट है, आई थिंक उसमें आप लोग कुछ प्लान कर लीजिए, क्योंकि मेरे क्लिनिक के, मेरा जो क्लिनिक है उसमें 15 एलोपैथिक डॉक्टर है। मेरे फ्लोर पे एक तरफ उस एरिया का एक लीडिंग मेल पीडियाट्रिशियन और एक तरफ उस एरिया की लीडिंग फीमेल पीडियाट्रिशियन है, और डेली की दोनों की 100 की ओपीडी है, और वहां से जितने फेलियर के केसेस होते हैं, जितने फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रिजेक्टेड नेग्लेक्टेड केसेस होते हैं, वो सारे हमारे पास आते हैं। और आप रिव्यूज पढ़ना वहां पे मेरे गूगल, आप रिव्यू और सब कुछ पब्लिकली है, मैं यहाँ बहुत ज्यादा नहीं दिखाने वाला, समझाने वाला है, आप गूगल पे मेरा नाम डाल के पढ़िएगा वहाँ सारे रिव्यूज। उसमें कुछ पेरेंट्स ने लिखा है कि 6 महीने से मेरे बच्चे को एक बार भी फीवर नहीं हुआ, मेरे लिए मैजिक है, या मेरे लिए लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है, वरना पिछले 6-7 साल से मैं कितने, उसने एक ने तो लिखा मैं कितने एलोपैथिक पीडियाट्रिशियन चेंज करे और फिर मेरे को आयुर्वेदा से सॉल्यूशन मिला। और हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, स्वर्ण प्राशन दिया सिंपल शुरू किया, चवनप्राश खिलाना शुरू करा, या चवनप्राश की गमीज आती है वो दे दीजिए, और साथ में अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है वायरल जनरली है तो महालक्ष्मी विलासस, या अगर बैक्टीरियल इन्वेजन है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देंगे 2 मिनट में, तो जयमंगल ऐड कर दीजिए, सीरप दे दीजिए कोई हर्बल साथ में जो भी आपको अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, जिसके रिजल्ट्स आपको पता है, हम 2-3 कंपनीज के ब्रांड्स की करते हैं, दैट्स इट। इतने में ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट उसको करना शुरू करो, रेगुलर ऑब्जर्व करो कहीं पर भी इश्यू आए, एंड उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, कहीं पर ब्रेन डेवलपमेंट का इशू है, ऑटिज्म है, या बाकी सारे स्पेशल चाइल्ड है, तो उनके अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। मैंने एक हेल्दी छोटे से बच्चे की रिकरेंट इन्फेक्शन की अगर कंप्लेंट है तो उसके लिए बताया, एंड ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हाँ कई बार करते हैं तो उसकी मार्केटिंग नहीं करते, उसके बारे में बताते नहीं, ये 2 प्रॉब्लम है, या तो करते नहीं, और अगर करते हैं तो उसकी मार्केटिंग नहीं करते, और मार्केटिंग करनी चाहिए। देखिए, आपका सक्सेस, आप मेरा यहाँ पे सुन रहे हैं, सक्सेस है, क्या सक्सेस है, पैसा कमाना इज नॉट ए सक्सेस, पैसा आप सब कमा लोगे, मेरे से ज्यादा कमा लोगे, पैसा कमाना इज नेवर ए सक्सेस पैरामीटर, बट हाँ उससे आपको सक्सेसफुल जज करती है सोसाइटी। आयुर्वेदा में ये माइंडसेट लैक हो रहा है कि हमें, कई आयुर्वेदा डॉक्टर्स या वैद्य साहब, मैं कभी 2 इवेंट्स पहले गया तो वहां थोड़े से नाराज हो गए कि डॉक्टर साहब ये पैसे को मत आप करिए, आयुर्वेदा तो हमें धनवंतरी भगवान ने दी है, हमें सेवा करनी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें भी तो सर्वाइव करना है, हमें भी तो सोसाइटी में जीना, हमें आप ये बता दीजिए कि मेरे मन में मेरे साथ का 4 साल का मतलब मेरा बैचमेंट जिसको मैं मैथ्स पढ़ाता था, वो 4 साल करके एक पैकेज पे चला गया, और आज मेरे से 4 गुना पैकेज उठा रहा है, और मैं वहीं पर हूँ, मेरे को कितना फ्रस्ट्रेशन होता है फाइनेंशियली। तो ऐसा नहीं है, सक्सेस के लिए फाइनेंशियली जरूरी है, लेकिन उसको सक्सेस मत समझिएगा। वही डॉक्टर, मैं तो वही नॉलेज थी, जब मैं छोटी गाड़ी थी मेरे पास, मैं खुद ड्राइव करके जाता था अपनी बिल्डिंग पे, मेरे पेशेंट बहुत कम थे, मेरे को वहां पे ना केमिस्ट शॉप रेफर करता था, ना एलोपैथी डॉक्टर पास बुलाते थे या बिठाते थे। जब मेरी गाड़ी बड़ी हुई तो मेरे को फेलो एलोपैथी डॉक्टर्स ने सबसे पहले अप्रोच किया, कोरोना के टाइम की बात है, कोरोना से जस्ट पहले मैंने गाड़ी चेंज करी थी, कोरोना में 3 महीने तो नई गाड़ी खड़ी थी, फायदा मिलेगा गाड़ी लेने जस्ट पहले। और मजे की बात, 2 दिन पहले मेरा लोन सेंक्शन हुआ और 2 दिन बाद यस बैंक 1 महीने के लिए बंद हो गया, अगर आपको याद हो, तो मैंने यस बैंक से लोन लिया था, मैंने कहा भगवान क्या किस्मत है, 2 दिन पहले मेरा लोन डिसबर्स हुआ और उसके 2 दिन बाद बैंक 1 महीने के लिए बंद हो गया, क्योंकि मेरी सारी बैंकिंग तब तक नहीं चलती थी। ये भी समझा दूंगा जो प्रैक्टिशनर है कि अपने करंट अकाउंट खोल लो, अगर नहीं खोले हैं तो प्रोप्राइटरी फर्म बना लो, बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। मैं गलती करी 2 साल कि मैं सेविंग बैंक पे, सेविंग अकाउंट पे अपना क्लिनिक चलाता रहा, क्योंकि मेरे को किसी ने सलाह दी थी कि 40 लाख थोड़ी हुआ है, 40 लाख से नीचे तो जीएसटी देना नहीं होता, तो क्या टेंशन लेनी, जीएसटी तो टेंशन होती है, कंपनी बनाना तो टेंशन होती है बॉस, कोई फायदा नहीं है छोड़ दो, तो मैं उस कंफ्यूजन में रहा। लेकिन जब किसी ने और ने मेरे को ज्ञान दिया कि ये जो तुम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, सारी जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी करते रहोगे, फिर डेली शटर खोलोगे या खुलवाओगे,
बैठोगे इस गद्दी पे तो पैसा आएगा वरना नहीं आएगा, तो ग्रो करोगे वरना नहीं करोगे। करो, मैंने कहा नहीं मैं करूंगा, फिर भी करो, 2 घंटे करो, वीकेंड में करो, सैटरडे या संडे पूरा दिन बैठ जाओ करो, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, लेकिन सिस्टम बना लो। और प्रैक्टिस क्लिनिक से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से अब तो NABH है, अब तो इंश्योरेंस है, अब तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हो, हमारा सेकंड लेवल प्लान हो रहा है गाजियाबाद में बाय द वे। तो आप लोगों को मैं आज सिर्फ ये समझाने आया हूँ यहाँ पे कि पहले अपना माइंडसेट चेंज करिए। कैरियर प्लेसमेंट सारे ऑप्शन अभी बता देंगे 2 मिनट में, लेकिन माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता कोई भी। माइंडसेट चेंज करिए, सक्सेस की पैरामीटर की डेफिनेशन जो मैं समझा रहा था, फाइनेंशियल ठीक है, वही जब मैंने ड्राइवर रखा, अच्छा बाय द वे तो केमिस्ट शॉप भी रेफर कर रहे हैं, अभी मेरे उसी कॉम्प्लेक्स के 4 एलोपैथी डॉक्टर और उनकी फैमिलीज में आयुर्वेद ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों तो मना किए कि पब्लिकली डिस्क्लोज मत करना डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी एसोसिएशन में, क्योंकि वहां नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है ना, तो हमारी एसोसिएशन में दिक्कत हो जाएगी, आप हमें कॉन्फिडेंशियली दे दो, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा काम है देना, क्योंकि मेरा News24, India Today और KJ के फीचर भी हुआ, किसी मेरे बगल के डॉक्टर ने मेरे को तब अप्रोच किया कि अरे मैंने तो आपका India Today देखा था, मेडिकल कैनबिस की प्रैक्टिस करते हो, मेरे को पता नहीं था मेरे बगल में। तो ये PR इसलिए जरूरी है, जो मैं समझा रहा था कि ब्रांड्स के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो आपको PR के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सक्सेस के पैरामीटर में पैसा नहीं है, सक्सेस के पैरामीटर में है पहला नंबर योर वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इवैल्यूएशन क्या है। आपको जितने बड़े बड़े ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स आप उठा के देख लीजिए, वो बिजनेस मॉडल से एक एक प्रोडक्ट की, एक एक ब्रांड की क्या वैल्यू, डाबर या बर्मन आज की रेट में अगर इतने वैल्यू कर रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेदा तो है ही, चाहे वो धूप कापेश्वर के वैद्य थे जिन्होंने स्टार्ट करी थी। इनफैक्ट हमारे जब पूर्वज आप देखेंगे वो इतने एंटरप्रेन्योरशिप थे कि वो अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करके यहां तक ले आए, लेकिन हम कहीं ना कहीं बीच में या तो गैप आ गया या माइंडसेट का आ गया, तो हम उसको नहीं पकड़ पा रहे। तो आप सब में से कितने लोग कितने फार्मा कंपनीज कर सकते हो, अपने क्लिनिक्स कर सकते हो, पंचकर्मा की चेन कर सकते हो, अभी तो सुपर स्पेशलिटी का टाइम है। पुणे में काफी सारे डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी आई वाज शेयरिंग द स्टेज विद जो अग्निकर्म विदग्धकर्म कर रहे हैं और देशमुख जी और सर्राफ है जो पुणे के दोनों वैद्य, तो वहां पर भी ये डिस्कशन हो रहा था कि वह सुपर स्पेशलिटी पे पहुंच गए लोग, वहां आयुर्वेदा चाइल्ड स्पेशलिस्ट में भी मेंटल इश्यूज के चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सिर्फ ऑटिज्म के बच्चे देखते हैं या मेंटल रिटार्डेशंस के केसेस देखते हैं, मतलब पीडियाट्रिक में भी एडवांस लेवल की सुपर स्पेशलाइजेशन आयुर्वेदा में हो चुकी है पुणे रेंज में, और हम अभी प्राइमरी लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन पे फोकस करें प्लीज। ये मैंने स्लाइड इसलिए दिखाई थी कि जितनी यहाँ पे फीमेल्स हैं या मेल्स भी अगर इंटरेस्टेड हैं गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस में, PCOD, PCOS, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड, ट्यूबर ब्लॉकेज, इरेगुलर पीरियड्स, एमनियोरिया, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक के जो भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं, अभी सेंटर पे टाइप करने को तैयार होंगे। मैं अभी 2 गायनेकोलॉजिस्ट से मॉडल डिस्कस कर गया हूं। आपको अपने भी पेशेंट लेंगे अलग से, आपको प्रॉब्लम पकड़नी है ना, लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि उनको IVF 6 महीने 6 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप डज नॉट रिजल्ट इन कंसेप्शन लीड्स टू IVF। आई रिपीट, उसको बड़े ध्यान से समझना आयुर्वेद के फंडामेंटल से, 6 months of unprotected relationship without conception leads to IVF. अब ये जो IVF की तरफ उसको 6 महीने बाद रास्ता दिखाया जा रहा है, अगर उस रास्ते में ही आप उसको आयुर्वेद का रास्ता दिखा देंगे तो उसको IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी तो उसको IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 6 महीने तो थे लेकिन कब कब किया, कैसे किया, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन किया, हस्बैंड और वाइफ में आधे डॉक्टर तो यही नहीं पूछते कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल था या नहीं था। होप आई कैन शेयर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एज ए प्रोफेशनल स्पीकर, बट ये बड़े ध्यान से बड़े इंपॉर्टेंट वे में आप समझना एज ए